सो नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी HEEM YouTube चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है इनकोटम्स के ऊपर, वो इनकोटम्स में भी एक इनकोटम्स है DAP डिलीवरी एट प्लेस। ऐसे 11 अलग अलग प्रकार की इनकोटम्स बनाई गई है ICC के द्वारा, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में। उनमें से एक इनकोटम्स का नाम है DAP। तो अगर आपको कोई भी बोले कि हमें DAP इनकोटम्स में काम करना है तो कैसे काम होता है, आज के वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल समझेंगे, जानेंगे। तो ऐसे अलग अलग 11 प्रकार के इनकोटम्स के ऊपर हमारे वीडियो है, देखना ना भूले। और आज का ये वीडियो पूरा अंत तक देखे तो आपको पता चले कि DAP में अगर आपको काम करना है तो कैसे होता है। सो लेट स्टार्ट। तो आज का ये इनकोटम्स है वो है डिलीवरी एट प्लेस के ऊपर, ठीक है। तो हम पूरा प्रैक्टिकल समझेंगे इसमें काम कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ पे ए करके जो है वो है एक्सपोर्टर, और यहां पे सामने एक है हमारा बी, वो है इंपोर्टर। तो यहां पे ये दोनों के बीच में अभी कुछ व्यापार होने जा रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो बिजनेस होने से पहले कोई ना कोई प्रोडक्ट ये दोनों के बीच में डिसाइड ही की गई होगी। उसमें से यहां पे सबसे पहले इंपोर्टर PO परचेज ऑर्डर रिलीज करेगा, जिसके बेस पे परफॉर्मा इनवॉइस बनाता है एक्सपोर्टर। और यहां पे ये दोनों के बीच में एक इनकोटम्स फाइनल हुई है, वो इनकोटम्स है DAP डिलीवरी एट प्लेस। तो पूरा प्रैक्टिकल हम समझेंगे इसमें काम कैसे होता है। तो कहां से शुरुआत होती है, जैसे कोई ना कोई एक्सपोर्टर है, सबसे पहले अपना गुड्स माल तैयार करेगा, माल को रेडी करेगा। अभी माल को तैयार करने के बाद उसका पैकिंग करेगा। पैकिंग करके वही जो सारा सामान है वो ट्रक में लोड कर देगा। ट्रक में लोड करने के बाद उसके नजदीक का जो भी ICD या CFS है वहां पे वो माल लेके आएगा। इन बिटवीन वो CHA से बात करके एक कंटेनर यहाँ पे बुक करवा लेगा, फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर है, और यहाँ पे ये जो एक्सपोर्ट होने जा रहा है वो जो होने जा रहा है मुंद्रा पोर्ट से। इंपोर्टर है जिसका पोर्ट है जेबेल अली UAE में, राइट। तो इंडिया से UAE पूरा कार्गो जा रहा है। तो यहाँ पे पूरा समझिए, कंटेनर जैसे बुक हो गया तो यहाँ पे जैसे ट्रक आ जाता है तो माल इसको कंटेनर में लोड कर देंगे। क्या कर देंगे, कंटेनर में माल को लोड कर देंगे। तो कंटेनर में जैसे माल लोड हो जाता है उसके साथ उसका कस्टम क्लियरेंस कर देंगे, उसके सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, साथ में जो भी एक्सपोर्ट के दौरान डॉक्यूमेंट लगेंगे, परफॉर्मा इनवॉइस हो गया, पैकिंग लिस्ट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, बिल ऑफ लेडिंग फाइल करना होता है एज ए कॉपी, शिपिंग बिल फाइल करना, ये सारे डॉक्यूमेंट साथ में तैयार होंगे। उसके बाद वही कंटेनर है वो शिप में लोड हो जाएगा, फिर यहाँ से चल के वही कंटेनर पूरा UAE तक पहुँचेगा। इन बिटवीन आपको सी फ्रेट पे करना है, सी फ्रेट मतलब वहां तक पहुंचने का खर्चा जो है सी फ्रेट उसको बोलते हैं, सी फ्रेट भी आपको पे करना है। उसके बाद वहां पे इंपोर्टर के जैसे पोर्ट पे माल पहुंच जाता है, फिर भी अभी यहां पे एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। यहां पे ये जो माल पहुंच गया, फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर पहुंच गया, तो उसको अनलोड करवाना, अनलोडिंग करवा के आगे जो कस्टम क्लियरेंस आपका इंपोर्टर करवाएगा, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो भी आपका इंपोर्टर पेड करेगा। यहां पे मैं लिख देता हूं IMP मतलब ये इंपोर्टर पे करेगा, पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपका एक्सपोर्टर पे करेगा। कौन एक्सपोर्टर, ये आपका एक्सपोर्टर पे करेगा। तो जैसे DAP डिलीवरी एट पॉइंट, ये जब आप इनकोटम्स में काम करोगे तो एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक होगी, सामने वाले के वेयरहाउस तक ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने की। पर इन बिटवीन जैसे माल पहुंच जाता है, अनलोडिंग के बाद कस्टम क्लियरेंस और उसकी इंपोर्ट ड्यूटी पे करना इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है। तो अगर आप DAP में काम करना चाहते हो डिलीवरी एट प्लेस, तो ये इनकोटम्स में एक्सपोर्टर पहले क्या करेगा, माल तैयार करेगा, पैकिंग करेगा, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करेगा, कस्टम क्लियरेंस करवाएगा, डॉक्यूमेंट फाइल करेगा, सी फ्रेट पे करेगा। अगर
इम्पोर्टर ने इंश्योरेंस मांगा है तो इंश्योरेंस लेगा, अदरवाइज इंश्योरेंस नहीं लेगा। वहां पे जैसे माल पहुंच जाता है सामने वाले इम्पोर्टर के पोर्ट पे, वहां से उसको अनलोड भी करवा देगा और उसके बाद कस्टम क्लियरेंस और इम्पोर्ट ड्यूटी की सारी प्रोसीजर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके इम्पोर्टर की। पर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्टर की, क्योंकि आपका जो इनकोटम्स है वो है DAP, डिलीवरी एट प्लेस। तो डिलीवरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, फिर आगे वेयर हाउस तक अनलोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस आपकी इम्पोर्टर की होती है। तो डीएपी में अगर आप काम करना चाहते हो तो यहां से लेके यहां तक कार्गो भेजने तक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्टर की होती है, प्लस एक ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना है डिलीवरी के लिए, डिलीवरी एट प्लेस के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना है, एक ट्रांसपोर्टेशन की जो जिम्मेदारी है वो एक प्लस हो जाती है एक्सपोर्टर में। उसको छोड़ के इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम क्लियरेंस, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी आपके इंपोर्टर की। तो आई होप सो कि आपको कैसे, आपको डीएपी में अगर काम करना है तो कैसे होता है, ये आपको पूरा यहाँ पे समझ में आया होगा। तो आने वाले मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वीडियो जरूर देखें, ऐसे अलग अलग 11 इनकोटम्स के ऊपर हमारे वीडियो है वो देखना ना भूले। ऐसे ही मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो में ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।